पैसा कैसे कमाना है, पैसा को खोने से बचाना है और उस पैसे से और पैसा कैसे कमाना है, ये क्वेश्चंस जो है ये आपके दिमाग में सेट होंगे और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे इस चैनल के थ्रू। मेरा नाम है विवेक बजाज दोस्तों, मैं हूँ को फाउंडर क्रेडेंट का। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यूज कर रहे हैं, आपने सुना होगा इलन मार्केट्स और स्टॉकेज के बारे में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोडक्ट्स और हमारा जो एफर्ट है उसको सराहने के लिए। अगर आप लोग में से किसी ने इलन मार्केट्स और स्टॉकेज को अभी तक नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस चैनल के अंदर में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल बातें आपसे करना चाहता हूँ, इसलिए ये एक अलग चैनल बनाया मैंने विवेक बजाज के नाम से। और इस चैनल में आपके निजी जीवन के अंदर में जो पैसे ओरिएंटेड, जो मनी मैनेजमेंट ओरिएंटेड, जो कमाई ओरिएंटेड वरीज हैं उनको लेके मैं कुछ चर्चा करूंगा और मैं आपसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही कनेक्ट होके बात करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरा एक ब्रीफ बैकग्राउंड रहा है पैसे कमाने के मामले में। पिछले 15 साल से फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व हूँ, कुछ कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ दोस्तों, भगवान की दया से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी अपने जीवन में लेके आ गया हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि अब क्योंकि इतना कुछ हो रहा है और इतनी बातें करनी है तो क्यों ना आपको एक पर्सनल कनेक्ट दिया जाए, ताकि आप अपने निजी जीवन के बारे में आपके जो भी सवाल हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मार्केट, वेल्थ जनरेशन, मतलब बड़े होने के लिए जो जो सवाल आपके निजी जीवन में आ रहे हैं वो सारे सवालों का मैं कोशिश करूंगा कि उसको प्रॉपरली जवाब दे सकूं। वीडियो चालू करते हैं दोस्तों पहला सवाल से। ओके, पहला सवाल है दोस्तों कि क्या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न तो क्या है, मेरे लिए बहुत बहुत रेलेवेंट है क्योंकि मैंने सारा जीवन शेयर बाजार में ही बिताया है। मैं तीसरे जनरेशन हूँ शेयर बाजार का, मेरे दादाजी शेयर बाजार में थे, मेरे पिताजी शेयर बाजार में हैं, तो मुझे शेयर बाजार बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। मुझे लगता है शेयर बाजार ही ऐसा जगह है जहां पर बहुत लोग बहुत तरह का काम कर सकते हैं। हाँ, आपको ये पता करना पड़ेगा कि शेयर बाजार के अंदर में वो ऐसा क्या काम है जो आपके लिए ही बना है, या ऐसा कहूं कि आप उसी के लिए बने हैं। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का सीधा जवाब दूं तो क्या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा सीधा जवाब है जी, एकदम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि शेयर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट कोई शेयर बाजार में नहीं कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में कर रहे हैं, किसी बिजनेस में कर रहे हैं। तो जैसे आप निजी जीवन में बिजनेस चालू करते हैं, या चलो आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप एक तरह से बिजनेस ही कर रहे हैं उस कंपनी में, तो जैसे आप निजी जीवन में बिजनेस में इन्वॉल्व है वैसे शेयर बाजार में भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के आप बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये तो हो गया लॉजिक कि क्यों शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है, करना ही चाहिए। दूसरा लॉजिक ये है कि दोस्तों अल्टीमेटली जब आप अपने कैपिटल का रिटर्न जनरेट करने की बात करेंगे तो आपको अपने कैपिटल का एलोकेशन, मतलब जितना आपके पास में पैसा है वो पैसा आपको अलग अलग जगह डालना पड़ेगा, और शेयर बाजार एक इंपॉर्टेंट माध्यम है जिससे आपका कैपिटल पे अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों अच्छा रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो अच्छी रिस्क की भी बात करते हैं, राइट? तो अच्छा रिटर्न और अच्छा रिस्क अगर आपको लेना है तो शेयर बाजार अच्छा जगह है। दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको चाहिए और कम रिस्क लेना पड़े, ये बहुत कम पॉसिबिलिटीज है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जनरेट नहीं होते हैं। तो अब समझदारी यही है कि हम समझें कि रिस्क क्या हो सकता है। तो ये ना समझे कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये माइंड में बैठा लीजिए कि शेयर बाजार में तो इन्वेस्ट करना ही है, बट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मुझे किस तरह का रिस्क लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब बात आ गई है तो मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूं कि रिस्क कैसे असेस करें, कि मेरे को किस तरह का रिस्क लेना चाहिए। दोस्तों रिस्क असेसमेंट के लिए आपको अपने अंदर की कई चीजों के बारे में जानना जरूरी है, एक इंट्रोस्पेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। पहला, आपका एज क्या है, आप कमाई कितना करते हैं, आप पे फैमिली में डिपेंडेंट कितने लोग हैं, और आपने बाकी बेसिक चीजों के ऊपर में पैसा क्या डाल दिया ऑलरेडी, और क्या आपके पास उसके बाद कुछ पैसे बच रहे हैं जिनको आप इस तरह के रिस्की एसेट, मतलब जिसमें रिस्क ज्यादा है, उस तरह के फाइनेंशियल एसेट में आप पैसा डाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक दोस्त है वो करीबन 40 साल का है, ठीक है, उसकी मंथली आय
कमाई जो है वो 1 लाख रुपया महीना है। 1 लाख रुपया महीना के बाद में जब वो घर खर्चा वगैरह सब कुछ कर लेता है तो उसकी नेट में सेविंग्स बचती है 25,000 से 30,000 रुपया महीना। अब आप सोचिए, जिसका 25 से 30,000 रुपया महीने का अगर सेविंग है तो मैं उसको शेयर बाजार कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए और हर महीना 10-10 हज़ार रुपया करके म्यूचुअल फंड में डालिए, क्योंकि धीरे धीरे वो कैपिटल आपका बड़ा हो जाएगा और शायद आप में कॉन्फिडेंस आएगी कि आप थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड से हटा के मैं शेयर बाजार में डायरेक्टली जाने की हिम्मत करूं। बट मेरा एक और दोस्त है दोस्तों, उसकी महीने की कमाई है 10 लाख रुपए और उसका घर का खर्चा है करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए महीना। दोस्तों उसके पास 7.5 से 8 लाख रुपए महीने की कमाई बचती है। अब वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालेगा तो ये बेवकूफी है। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, बाकी जो इंश्योरेंस वगैरह जो उसकी नीड है उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन काफी हद तक उसको पैसा इक्विटी मार्केट में, शेयर बाजार में डायरेक्टली भी डालना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग तो क्या है, अगर आप आज आए हैं और आपको मजा आ रहा है मार्केट को देख के और एक फील आ रही है कि थोड़ा मार्केट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि ये इससे अच्छा दिमाग भी चलता है और इससे आपकी एक सोच भी डेवलप होती है मार्केट के प्रति। चले 50,000 रुपया वो दोस्त ट्रेडिंग के लिए यूज कर लेगा ताकि उसका दिमाग एक्टिव रहे, बट जो बाकी 7 लाख रुपए उसको डालने हैं वो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में बराबर, या थोड़ा बहुत शेयर बाजार में ज्यादा और म्यूचुअल फंड में कम करके वो मार्केट में इन्वेस्ट करके बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर सकता है। तो समझ में आ रही है दोस्तों बातें, कि शेयर बाजार में तो आना है, आपका रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से आना है और कब आना है वो डिपेंड करेगा कि आपका कमाई अभी कितना है। अगर कमाई नहीं है तो शेयर बाजार में आना मेरे हिसाब से दोस्तों रिस्की हो सकता है। दोस्तों इस तरह से और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और छोटी छोटी बातों को कैप्चर करूंगा और आपके साथ में शेयर करूंगा। लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगा मेरे इलन मार्केट्स के चैनल में, वहां लंबे लंबे लर्निंग वीडियोस हैं। अगर आपको डीप लर्निंग चाहिए मार्केट के अराउंड तो फिर आप इलन मार्केट्स के चैनल में जा सकते हैं। बड़े इस चैनल में जो कि मेरा निजी चैनल है, मैं इसमें छोटे 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 वीडियोस बनाऊंगा और आपके प्रश्नों की आंसर देने की कोशिश करूंगा। आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा और आप मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे कार्य को लोगों के साथ में शेयर भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरे साथ और जुड़े रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।